Hi students, welcome in chemistry classes. I am Priyanka Jain and you are watching inorganic chemistry lecture in Hindi. आज आप लोग देख रहे हैं ट्यूसडे है, आप लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हिंदी में देख रहे हैं और मैंने लास्ट लेक्चर्स में आपको इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रास पढ़ाया था. अभी जो टॉपिक है वो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस. तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से रिलेटेड और उसको किस तरीके से हम उनके क्विक सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके तो देखिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की. यहाँ पर एक तो आपसे पूछा जाता है कि कंपाउंड्स आपको दिया हुआ है मैग्नेटिक मूवमेंट. ओके आपको मैग्नेटिक मूवमेंट दिया हुआ है और उसके बाद आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने हैं. राइट या तो आपसे पूछ सकते हैं कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं या कंपाउंड का कॉन्फिगुरेशन कितना है, क्या है, कौन सा कॉम्प्लेक्स है, ये सब आपको फाइंड आउट करना हो सकता है. या फिर हो सकता है आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दिए हुए हैं. ओके या फिर कोई कॉन्फिगुरेशन या कोई कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है और उसका आपको फाइंड आउट करना है मैग्नेटिक मूवमेंट. ये भी हो सकता है क्वेश्चन इस टाइप का. या फिर हो सकता है वो आपसे पूछे हैं कि किस कंपाउंड में पैरा मैग्नेटिज्म ज्यादा है, कौन सा कंपाउंड डाया मैग्नेटिक है, कौन सा कंपाउंड पैरा मैग्नेटिक है, ये आपको फाइंड आउट करना होता है. तो ये बहुत ही सिंपल टाइप के क्वेश्चन होते हैं. इस टाइप के कुछ रिलेटिवली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. या फिर एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि आपको पता करना होता है कि कौन से कॉम्प्लेक्स में ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन है और कौन से में ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है. ठीक है, कंपाउंड ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन शो कर रहा है या नहीं कर रहा है, या वो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट शो कर रहा है, ये हमको फाइंड आउट करना हो सकता है. ठीक है, तो ये सभी कुछ हम लोग पढ़ने वाले हैं आज के लेक्चर्स में. तो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर. सबसे पहले देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कैसी होती हैं. ठीक है, तो देखिए बेसिकली मैग्नेटिक मूवमेंट के आधार पर कंपाउंड्स डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं. एक जो सबसे पहली प्रॉपर्टी कंपाउंड शो करते हैं दैट इज डायमैग्नेटिज्म. डायमैग्नेटिज्म मींस जब भी किसी कंपाउंड के अंदर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, देन सच टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस आर रिपेल्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड. ओके, ऐसे कंपाउंड्स मैग्नेटिक फील्ड में रिपेल्ड किए जाते हैं. दूसरे टाइप के कंपाउंड्स होते हैं पैरामैग्नेटिक कंपाउंड्स. इनमें जो ये प्रॉपर्टी शो करते हैं इसे हम क्या कहते हैं, पैरामैग्नेटिज्म. तो पैरामैग्नेटिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं. अगर किसी कंपाउंड में एक या एक से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं ऐसे कंपाउंड्स को हम पैरामैग्नेटिक कंपाउंड्स कहते हैं. एंड दीज आर बीइंग अट्रैक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होते हैं. तीसरे टाइप के जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं That are called ferromagnetic compounds. और इसकी ये प्रॉपर्टी है, इसको हम क्या कहते हैं, ferromagnetism. Ferromagnetism means such type of compounds are strongly attracted in magnetic field. इन्हें अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टेड होते हैं इन मैग्नेटिक फील्ड. सो वाई दीज आर स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड. देखिए इस टाइप का जो स्ट्रक्चर है ये कुछ कॉम्प्लेक्स जैसे कि आयरन के, कोबाल्ट के या निकिल के कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट्स हैं, इनके कंपाउंड्स में स्पेशली ये करेक्टर देखने को मिलता है. और ये क्यों होता है, एक्चुअली में क्या होता है इन केसेस में, जितने भी इन कंपाउंड्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सपोज यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इस टाइप से प्रेजेंट है. ओके तो क्या होता है जब आप इसको एक मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, यहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड है. ओके तो क्या होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर लेते हैं. ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके स्पिन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनका मैग्नेटिक मूवमेंट इस मैग्नेट के डायरेक्शन में होता है, इसलिए ये स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टेड होते हैं इन द मैग्नेटिक फील्ड. चौथे टाइप के जो कंपाउंड्स होते हैं दैट आर कॉल्ड एंटी फेरोमैग्नेटिक कंपाउंड्स. और इनकी जो ये प्रॉपर्टी होती है इसे हम कहते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिज्म. एक्चुअली में एंटी फेरोमैग्नेटिज्म जिन कंपाउंड्स में देखने को मिलती है उनमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, बट दीज कंपाउंड्स आर रिपेल्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड. ये जो कंपाउंड्स होते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड में रिपेल्ड होते हैं. ओके दीज आर बींग रिपेल्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑल्दो दे पजेस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. These are having unpaired electrons. लेकिन ये repel हो रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? Actually में देखिए यहाँ पर भी होता क्या है, ये यहाँ पर कई सारे unpaired electrons present हैं और ये इनके different spins हैं. तो जब आप इनको magnetic field में रखते हैं, यहाँ पर कोई magnetic field है suppose कीजिए, तो ये जब magnetic field में रखे जाते हैं तो क्या होता है, इनके spins एक दूसरे के opposite direction में align हो जाते हैं. मतलब कुछ electrons की अगर इस direction में, okay? कुछ की अगर इस डायरेक्शन में है तो दूसरे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं
उनके मैग्नेटिक फील्ड इसके अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं, तो जो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट होता है वो इक्वल्स टू जीरो हो जाता है. ओके, सो हियर नेट मैग्नेटिक मूवमेंट इज इक्वल टू जीरो. इसलिए ऐसे कंपाउंड्स जो है मैग्नेटिक फील्ड में रिपेल होते हैं. तो ये तो बात हुई कंपाउंड्स की और उनके मैग्नेटिक बिहेवियर की, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं ट्रांजिशन मेटल्स की. ओके, ट्रांजिशन मेटल्स, देखिए पहले हम ट्रांजिशन मेटल्स की फ्री स्टेट में बात करेंगे जब वो फ्री हैं, और फिर क्या होता है जबकि कॉम्प्लेक्स बनता है. ठीक है, दोनों स्टेट में हम लोगों को बात करनी है. तो ट्रांजिशन मेटल्स में आप जानते हैं एन माइनस वन डी ऑर्बिटल, यानी कि पेनल्टी मेट डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स फेल्ड होते हैं, और इसका कॉन्फिगरेशन क्या होता है, एन माइनस वन डी वन टू टेन एन एस जीरो वन और टू. ठीक है, एस ऑर्बिटल में भी एक या दो या जीरो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, और मेन चीज क्या है यहाँ पर, डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स फेल्ड है, दैट आर वन टू टेन, इनका नंबर हो सकता है वन टू टेन. तो जब हम फ्री मेटल आयन की बात करते हैं, फ्री मेटल आयन के केस में एक्चुअली में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स आर पैरामैग्नेटिक. मोस्टली कंपाउंड्स कैसे हैं जो फ्री मेटल आयन्स हैं, मोस्टली कैसे पैरामैग्नेटिक हैं. ओके, मोस्टली पैरामैग्नेटिक, व्हाई, बिकॉज यहाँ पर डी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस की वजह से ये ज्यादातर कंपाउंड्स पैरामैग्नेटिक होते हैं. हालांकि कुछ कंपाउंड्स जैसे कि अगर आप देखते हैं जिंक प्लस टू, सी डी प्लस टू, एच जी प्लस टू, जिन केसेस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रेजेंट है, ओके, वो सभी केसेस जहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रेजेंट है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उन सभी केसेस में हमको क्या देखने को मिलेगा, डायमैग्नेटिज्म देखने को मिलेगा. तो ऐसे कंपाउंड्स कलरलेस होंगे और ये डायमैग्नेटिक इन नेचर होंगे. ठीक है, बाकी जितने भी कंपाउंड्स हैं जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वो सभी कैसे हैं, पैरामैग्नेटिक हैं. तो जितना ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर होगा, ग्रेटर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ग्रेटर विल बी द पैरामैग्नेटिज्म. जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा, पैरामैग्नेटिज्म होगा, और जितना ज्यादा पैरामैग्नेटिज्म होगा उतना ही ज्यादा उसका क्या होगा, मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, ग्रेटर विल बी द मैग्नेटिक मूवमेंट. तो एक बात आपको क्लियर है कि पैरामैग्नेटिज्म किस पर डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पर. जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं पैरामैग्नेटिज्म उतना ज्यादा है और उतना ही ज्यादा होगा इसका मैग्नेटिक मूवमेंट. ये हुई एक सिंपल बात. ओके, अभी देखिए जो फ्री मेटल आयन्स होते हैं उनका जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, इनका जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है यानी कि म्यू, इसकी वैल्यू स्पिन और ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट के कॉन्ट्रीब्यूशन से दी जाती है, एस प्लस एल. तो इसकी वैल्यू कैसी होती है, अंडर रूट फोर एस एस प्लस वन प्लस एल एल प्लस वन. इस फॉर्मूले के द्वारा यहाँ पर हम क्या करते हैं, फ्री मेटल आयन्स का मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं. यानी कि ये वैल्यू है वो किस पर, स्पिन ऑर्बिटल मोमेंटम पर और ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट पर, दोनों पर डिपेंड कर रही है. लेकिन जब मेटल कॉम्प्लेक्स हो जाती है, फॉर कॉम्प्लेक्सेस, ओके, जब कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो जाता है तो एक्चुअली में क्या होता है, मेटल के साथ में लिगेंड अटैच्ड हो जाते हैं. ओके, तो ये लिगेंड्स का आउटर एटमोस्फियर होता है वो कुछ इस तरह का होता है कि जो ऑर्बिटल मोमेंटम है उसको क्या कर देता है, क्वेंच्ड. ओके, फॉर कॉम्प्लेक्स ऑर्बिटल मोमेंटम इज क्वेंच्ड ड्यू टू आउटर एटमोस्फियर, ड्यू टू आउटर लिगेंड एटमोस्फियर. लिगेंड्स की प्रेजेंस की वजह से जो यहाँ पर आपका ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट था वो क्या हो जाता है, क्वेंच हो जाता है, यानी कि वो नेग्लिजिएबल हो जाता है, हम उसे कैलकुलेट नहीं करते हैं. तो ऐसा होता है तो 3D सीरीज में, जब भी आप 3D सीरीज देख रहे होते हैं, ठीक है ना, 3D सीरीज के केस में म्यू की वैल्यू जनरली किसके द्वारा दी जाती है, म्यू स्पिन ओनली. हम यहाँ पर ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन को नहीं लेते हैं. ये हम एक जनरल बात कर रहे हैं. अभी मैं आपको एक और लेक्चर बनाऊंगी, उसमें मैं आपको बताऊंगी कि ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन भी देखने को मिलता है. ऐसा नहीं है कि 3D सीरीज में ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं मिलेगा. ठीक है, ये तो हमने थ्योरेटिकल बात करी कि यहाँ पर ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है और म्यू की वैल्यू म्यू स्पिन ओनली के द्वारा दी जा रही है. पर एक्चुअल केस जब आप देखोगे, जब आप एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज देखते हैं, तो क्या पता चलता है कि कुछ केसेस में ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन होता है और कुछ केसेस में नहीं होता है. तो ये हम अपने अगले लेक्चर में बात करेंगे. अभी हम पहले इस चीज को समझते हैं जो थ्योरेटिकल चल रही है. ठीक है, तो 3D सीरीज में म्यू की वैल्यू म्यू स्पिन ओनली के द्वारा दी जाती है, क्योंकि हमारा ऑर्बिटल मोमेंटम कैसा हो गया है, क्वेंच्ड हो चुका है. तो यहाँ पर इसकी वैल्यू किसके द्वारा देंगे, अंडर रूट फोर एस एस प्लस वन, या फिर दूसरा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, अंडर रूट एन एन प्लस टू.
यहाँ पर एन क्या है, एन है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर दिया हुआ है या आपको कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। उस वैल्यू को आप यहाँ पर रखिएगा, म्यू की वैल्यू आपको बोर मैग्नेटोन में मिल जाएगी। ठीक है, तो मोस्ट जनरल केसेस में आप इस फॉर्मूले को यूज करते हैं और यहाँ से मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल लेते हैं। लेकिन अगर आप 4D एंड 5D सीरीज की बात करते हैं, इन 4D एंड 5D सीरीज, अगर आप 4D एंड 5D सीरीज की बात करते हैं तो यहाँ पर ऑर्बिटल मोमेंटम क्वेंच्ड नहीं होता है। ओके, ऑर्बिटल मोमेंटम इज नॉट क्वेंच्ड। तो इस केस में हम यहाँ पर जो स्पिन वैल्यू है वो भी लेंगे और जो ऑर्बिटल वैल्यू है वो भी लेंगे। मोमेंटम की ऑर्बिटल और स्पिन वैल्यूज दोनों हम यहाँ पर लेंगे और हमारी वैल्यू किसके द्वारा आएगी, म्यू एस प्लस एल इज इक्वल टू अंडर रूट, जो हमने पहले फॉर्मूला देखा था, 4s s प्लस 1 प्लस l l प्लस 1। इस वैल्यू के द्वारा हम 4d एंड 5d सीरीज के लिए वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपसे जो जनरली केस पूछे जाते हैं वो 3d सीरीज के ही पूछे जाते हैं। तो देखिए, 3d सीरीज में भी आपको दो टाइप के कॉम्प्लेक्सेस मिलते हैं। ठीक है, आपको पता है ये आपका ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल है। ठीक है, डी ऑर्बिटल है जब आप क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। जब ये कॉम्प्लेक्स बनता है तो ये किस स्थिति में आ जाता है, इसकी क्या हो जाती है, स्प्लिटिंग हो जाती है। ओके, हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में इजी ऑर्बिटल आपका ऊपर होता है और जो T2G लेवल होता है वो नीचे आ जाता है। ठीक है, तो एक्चुअली में क्या होता है, दो टाइप के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। ठीक है, दो टाइप के कॉम्प्लेक्सेस आपको देखने को मिलते हैं, एक होते हैं हाई स्पिन, एक लो स्पिन। एक्चुअली में दो टाइप के लिगेंड्स होते हैं। मान लीजिए आप एक जनरल केस ले रहे हैं, दो कॉम्प्लेक्सेस लेते हैं, इनकी कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, तो आपको ये चीज ज्यादा क्लियर हो जाएगी। एक कॉम्प्लेक्स हमने लिया FeCN6-4, ठीक है, और दूसरा कॉम्प्लेक्स लिया हमने FeH2O6+2। आयरन यहाँ पर आपको दिख रहा है दोनों ही स्टेट में कैसा है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ठीक है, आयरन यहाँ पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ये कौन सी स्पीसीज होगी, ये D6 स्पीसीज होगी। ठीक है, ये D6 स्पीसीज है, दोनों जगह 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। जब आप FeCN6 को देखते हैं तो यहाँ पर स्प्लिटिंग कैसे होती है, जो आपके डी ऑर्बिटल्स हैं, जो आपके डी ऑर्बिटल्स थे वो स्प्लिट होते हैं। तो देखिए, आपका यहाँ पर दिया है साइनाइड लिगेंड, CN- एज ए लिगेंड प्रेजेंट है यहाँ पर, और ये कैसा है आपका, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, दिस इज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो ये क्या करता है, ज्यादा स्प्लिटिंग कॉज करता है। ओके, तो स्प्लिटिंग होगी ज्यादा। ये रहा आपका T2G लेवल, ठीक है, और यहाँ पर रहा आपका इजी लेवल। ठीक है, तो स्प्लिटिंग कैसी है, ज्यादा है। ठीक है, डेल ओ की वैल्यू क्या है, ग्रेटर है। ठीक है, तो अभी 6 इलेक्ट्रॉन्स थे यहाँ पर, आपने देखा इन दोनों के बीच का जो गैप है वो ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स यहीं पर पेयर अप हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, 6 इलेक्ट्रॉन्स यहीं पर पेयर अप हो गए। ठीक है, तो आपको जो कॉम्प्लेक्स मिला वो कैसा मिला, आप देख सकते हैं यहाँ पर सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप हो चुके हैं नीचे के लेवल में ही। तो जो आपको कॉम्प्लेक्स मिल रहा है उसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, जो आपकी मेटल थी, आप फ्री मेटल की स्टेट देखो, फ्री मेटल कैसी थी, फ्री मेटल आपकी यहाँ पर हम बीच में फ्री मेटल दिखा रहे हैं। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, ये थी आपकी फ्री मेटल Fe+2 इन फ्री स्टेट। ठीक है, तो जब आपने फ्री स्टेट में देखा था तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है, इस टाइप से थे। तो यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा था और यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गया, कम हो गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कम हो गया। तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को हम क्या कहते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्सेस हमारे कहलाएंगे लो स्पिन, क्योंकि यहाँ पर स्पिन की वैल्यू कम हो गई है। ठीक है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कम हो गया है, इसलिए ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जनरली क्या होते हैं, डायमैग्नेटिक होते हैं। इस केस में तो डायमैग्नेटिक ही है क्योंकि यहाँ पर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, कभी कभी एक दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो भी सकते हैं, तो लोअर पैरामैग्नेटिज्म भी शो करते हैं, डायमैग्नेटिक होंगे या लोअर पैरामैग्नेटिक वैल्यू शो करेंगे। ठीक है, लेकिन जब आप इस केस को देखते हैं Fe H2O6+2, इस केस में देखिए यहाँ पर जो स्प्लिटिंग होगी उसकी वैल्यू देखिए आप, T2G लेवल आपका ये रहा, ठीक है, और Eg लेवल आपका ये रहा। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं जो गैप है वो कम है। ठीक है, जो डेल ओ की वैल्यू है वो कैसी है, स्मॉलर है। ठीक है, डेल ओ की वैल्यू स्मॉलर है, तो इलेक्ट्रॉन्स 1, 2, 3 यहाँ पर भरने के बाद कहाँ जाएंगे, इजी लेवल में, और फिर उसके बाद उनकी पेयरिंग होगी। तो आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन्स का नंबर स्पिन या तो फ्री मेटल के बराबर रहता है
या उससे ज्यादा रहता है। ठीक है, तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को हम क्या कहते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, स्पिन हाई है। ठीक है, ऐसे कॉम्प्लेक्सेस कहलाएंगे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। तो जब भी आपका लिगेंड वीक फील्ड होगा, जैसे कि H2O, ये आपका कैसा है, वीक फील्ड लिगेंड है, जब भी आपका लिगेंड वीक फील्ड होगा आपको हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस देखने को मिलेंगे, और ये कॉम्प्लेक्सेस जनरली कैसे होंगे, पैरामैग्नेटिक होंगे। ठीक है, अगर हम इसका स्पिन वैल्यूज निकालते हैं तो देखिए, जो है FeCN6 था इस केस में अगर आप देखते हैं, तो यहाँ पर आपकी कितनी निकलेगी, अंडर रूट एन एन प्लस टू करिए तो वैल्यू आपकी कितनी आएगी, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए आपका मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू क्या आएगी, जीरो BN। ठीक है, जीरो बोर मैग्नेटॉन। लेकिन अगर आप इस केस में देखते हैं इसकी म्यू की वैल्यू, तो कितनी आएगी, अंडर रूट एन एन प्लस टू करिए, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, फोर 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 प्लस टू, तो आपकी जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है, रूट ऑफ 4 इंटू 624, यानी कि आपकी वैल्यू आएगी ऑलमोस्ट 4.92 BM। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैग्नेटिक मूवमेंट कितना हाई है, यानी जो कॉम्प्लेक्स है वो आपका कैसा है, मैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक है। ओके, तो इस तरीके से आपको मैग्नेटिज्म को देखना होता है, किस तरीके से लो और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस को आइडेंटिफाई करना है, किस तरीके से डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक बिहेवियर में कंपैरेटिवली स्टडी करना है, और किस तरीके से मैग्नेटिक मूवमेंट फाइंड आउट करना है। दो तीन चीजें यहाँ पर आपकी क्लियर हो चुकी है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद हम लोग ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। ठीक है, ऑलराइट, लेट्स सी सम क्वेश्चंस। क्या क्वेश्चंस है, द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ एन ऑक्टाहेड्रल CO+2 कॉम्प्लेक्स इज 4.0 PM. The electronic configuration of the complexes. हमें दिया हुआ है octahedral cobalt plus 2 complex का magnetic movement 4.0 PM है. ठीक है, तो हमें electronic configuration find out करना है. देखिए, वैसे तो इसमें आप electronic configuration वैसे भी find out कर सकते हैं, लेकिन आपको magnetic movement दिया है तो इससे find out करना है. तो mu की value क्या होगी, under root n n plus 2. ठीक है, यहाँ पर आपको value दी हुई है 4.0 PM. तो आप क्या करेंगे, अलग अलग n की वैल्यूज, यानी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यूज अलग अलग रखकर देखेंगे। 1 रखते हैं तो वैल्यू कम आती है, 2 रखने पर भी वैल्यू कम आती है। ठीक है, फिर आप रखते हैं 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो वैल्यू क्या आएगी, 3 3 प्लस 2, यानी कि आपकी वैल्यू आती है रूट ऑफ 15। रूट ऑफ 15 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली बराबर होती है 16 के, रूट ऑफ 16 के अप्रोक्सीमेटली बराबर होगी, यानी कि वैल्यू ऑलमोस्ट बराबर होगी इसके 4.0 BM के, यानी जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपका आ रहा है वो कितना है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 3 है। इसलिए कॉन्फ़िगरेशन आपका क्या होना चाहिए, कोबाल्ट प्लस 2 है, D7 केस है, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो ओबियसली आप समझ सकते हैं हाई स्पिन केस है। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपको मिले तो आपका कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रहा है, 3 2 G5 Eg2। यही इस क्वेश्चन का आंसर था जो आपको निकालना था, T2G5Eg2, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी देखिए दूसरा क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, ए ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स शो मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ 5.20 BM एट रूम टेम्परेचर, द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑन द मेटल इज। ठीक है, आपको यहाँ मेटल पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बताना है, यहाँ पर आपको मेटल नहीं दी हुई है, तो म्यू की वैल्यू फिर से आप वैसे ही फाइंड आउट करेंगे, अंडर रूट एन एन प्लस टू इज इक्वल टू 5.20 BM। देखिए दो वैल्यूज आप एन की रख सकते हैं, अगर आप यहाँ पर इसकी वैल्यू 4 रखते हैं तो क्या आती है, 4 4 प्लस 2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 24, यानी कि हम क्या कह सकते हैं, अंडर रूट ऑफ ऑलमोस्ट 25 के इक्वल होगा, यानी ये जो वैल्यू है आपकी वो 5 के बराबर आएगी। ठीक है, ओके, 5 BM के बराबर ये वैल्यू आने वाली है। अगर आप यहाँ पर वैल्यू रखते 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर रखते, अगर आप 5, तो आपकी वैल्यू क्या आती, अंडर रूट 5 5 प्लस 2। ठीक है, इफ n इज इक्वल टू 5, अगर आप 5 वैल्यू रखते तो ये आती, अभी आपने क्या रखा है, इफ n इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो 5 रखने पर वैल्यू कितनी आ रही थी आपकी, अंडर रूट ऑफ 5 इंटू 7 35, यानी कि ये वैल्यू जो आ रही थी वो ऑलमोस्ट रूट ऑफ 36 के बराबर, यानी कि आपकी जो वैल्यू आने वाली थी वो लगभग लगभग 6 के बराबर आने वाली थी। ठीक है, तो वैल्यू इससे ज्यादा नहीं हो सकती, इसलिए ये वाला ऑप्शन आपका कैंसिल होता है, एन की वैल्यू 5 नहीं हो सकती है। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है, एन की वैल्यू 4 हो सकती है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर
कितना होगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 4। तो जो वैल्यू आपकी 5 आ रही है वो इतनी कम क्यों आ रही है, ये वैल्यू 5 आपकी क्यों आई? एक्चुअली में यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, म्यू एस प्लस एल, यहाँ पर जो वैल्यू है वो म्यू एस प्लस एल के कारण है और ये वैल्यू म्यू एस की वैल्यू से ज्यादा होगी, यानी कि जो आपका म्यू ऑब्जर्व है वो इक्वल टू है म्यू एस प्लस एल। ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे होता है ये अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, अभी आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, आपको सिर्फ ये बताना था कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितना है। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कभी भी ज्यादा नहीं होगा, हमेशा जो वैल्यू दी है उससे थोड़ा कम ही होगा, इसलिए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर कितना होगा, 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, द एक्सपेक्टेड स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट फॉर Fe(CN6-4) एंड Fe(F6-3) रिस्पेक्टिवली आर। आपको एक कॉम्प्लेक्स दिया है Fe(CN6-4), इस कॉम्प्लेक्स के लिए मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू कितनी होगी, Fe+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यानी कि ये आपका कैसा है, D6 कॉम्प्लेक्स है। और दूसरा आपको यहाँ पर जो लिगेंड दिया है वो कैसा है, आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। लो स्पिन का D6 आप जब बनाएंगे तो ये आपको लर्न हो जाना चाहिए, इतना टाइम से मैं आपको बता रही हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये कैसा हो जाएगा, पूरे इलेक्ट्रॉन्स यहीं पर पेयर्ड अप हो जाएंगे, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जब कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो स्पिन की वैल्यू जो आपकी म्यू की वैल्यू है वो किसके द्वारा दी जाएगी, अंडर रूट n n+2, इसलिए ये वैल्यू भी आपकी कितनी हो जाएगी, 0 भी है, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शंस तो आपके कैंसिल हो जाते हैं, अब बचे आपके पास दो ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी एंड डी। अब देखिए Fe(F6-3) का केस, इस केस में आयरन आपको दिया है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो ये कैसा हुआ, D5। दूसरा फ्लोराइड एज ए लिगेंड प्रेजेंट है तो ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, हाई स्पिन D5, तो बनाइए इसको 1, 2, 3, 4, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है यहाँ पर। जब 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं तो म्यू की वैल्यू कितनी आएगी, अंडर रूट n n+2, यानी कि वैल्यू कितनी आएगी, अंडर रूट ऑफ 5 5+2, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, रूट ऑफ 35, यानी कि 5.92 pm, ये वैल्यू आपको मिलेगी, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको किसमें दी, ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, द इफेक्टिव मैग्नेटिक मूवमेंट इज मैक्सिमम फॉर, किस कॉम्प्लेक्स के लिए मैग्नेटिक मूवमेंट की इफेक्टिव वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। तो पहले ऑप्शन दिया है आपको K4 Mn Cn6, तो देखिए यहाँ पर आपका साइनाइड लिगेंड प्रेजेंट है, साइनाइड आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इसलिए आपका कॉम्प्लेक्स जो मिलेगा वो कैसा मिलेगा, लो स्पिन, इसलिए यहाँ पर तो आपका मैग्नेटिक मूवमेंट कभी भी ज्यादा नहीं होगा, इसलिए ये ऑप्शन आप कैंसिल कर दीजिए। ऑप्शन नंबर बी को देखिए, K2MnO4 दिया है, यहाँ पर आपको K2MnO4 दिया है, K2MnO4 में मैग्नीज दिया है आपको, मेन कॉम्प्लेक्स मैग्नीज है, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ये आपका D1 कॉन्फिगुरेशन हो गया, D1 यानी कि 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सिर्फ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो जो मैग्नेटिक मूवमेंट आपका निकल के आएगा वो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए निकलेगा, ठीक है। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए मीन्स आप निकाल भी सकते हो, जनरल वे में आप ऐसे भी देख सकते हो, नहीं भी निकालेंगे तो भी काम चलेगा, जहां ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वहां मैग्नेटिक मूवमेंट ऑब्वियसली ज्यादा होगा। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू कितनी आएगी, अंडर रूट ऑफ 1 1+2, यानी कि रूट ऑफ 3, ठीक है। अभी आप नेक्स्ट केस देखिए, K2MnCl4, ये आपको दिया है, यहाँ पर मैग्नीज आपका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यानी कि ये आपका क्या है, D5 कॉन्फिगुरेशन है, और D5 का भी हाई स्पिन होगा क्योंकि क्लोराइड आपका वीक फील्ड लिगेंड है, ठीक है, हाई स्पिन केस है। तो आप यहाँ पर बनाएंगे तो हाई स्पिन D5, 1, 2, 3, 4, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, बहुत बार मैं आपको बता चुकी हूँ, जब भी 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं तो मैग्नेटिक मूवमेंट कितना होता है, अंडर रूट n n+2 से आप करेंगे 5 5+2, तो इसकी वैल्यू आती है आपकी 5.92 pm, ये होगा इसका मैग्नेटिक मूवमेंट। अभी लास्ट केस देखिए, आपको दिया हुआ है KMnO4, KMnO4 में आपका मैग्नीज जो है वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है +7, यानी ये D0 कॉन्फिगुरेशन है, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किया, कोई भी इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट नहीं है, इसलिए यहाँ पर मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू 0 आएगी, ठीक है। तो इन चारों ऑप्शंस में से आपने क्या देखा, सबसे ज्यादा ऑप्शन नंबर सी में, ये देखिए 5.92 pm सबसे ज्यादा मैग्नेटिक मूवमेंट का है,
ऑप्शन नंबर सी में, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो इस टाइप से मैग्नेटिक मूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको करने होते हैं, इसी तरीके से क्वेश्चंस करने हैं। और कुछ क्वेश्चंस भी होते हैं जो ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, कहाँ देखने को मिलेगा, कहाँ नहीं मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जरूर मेरे साथ बने रहिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे। और हाँ, अगर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों को वीडियोस शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोग ज्यादा वीडियोस शेयर करेंगे तो इससे मुझको भी प्रमोट करने का, इन वीडियोस को मौका मिलेगा, मैं ज्यादा से ज्यादा वीडियोस आपके लिए बना पाऊंगी। थैंक यू।